morning class students, welcome back in our next class. Today we are going to read the last topic of exercise 6.4. देखिए आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होता है तो जितना पॉसिबल ईच एंड एवरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोगों को कवर करना ही है. टाइम कमती है, वी कैन कम्प्लीट ईच टॉपिक बट एज मच एज पॉसिबल वी ट्राई टू कम्प्लीट. ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट चार क्वेश्चन यहाँ में आज हम लोग देखेंगे. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज 6.4. फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू गेट परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ में कुछ नंबर दिया हुआ है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो बोला है कुछ नंबर इससे सब्ट्रैक्ट करो ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सके. तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या था, 402. हम लोगों को क्या पता है 20 स्क्वायर इक्वल टू 400, 21 स्क्वायर इक्वल टू 441, राइट. तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन जो 2 माइनस करने से ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकते हैं. ठीक है, बट वी कैन डू इट लाइक दैट, वी हैव टू गो थ्रू कैलकुलेशन, बट आंसर विल बी 2, राइट. क्योंकि फिर से सुनिए, 402 से क्या माइनस करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है. हम लोगों को पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज लेस देन 402 इज 400. तो इससे 2 माइनस कर देने से वो परफेक्ट बन सकते हैं. तो कैलकुलेशन करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन 4 to 9 तक जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग इसको अच्छे से बुक्स के साथ मैच करके पढ़िए. ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पहले पेयर बनाना होता है. कहाँ से, फॉर्म योर वन पोजीशन, दो दो लेके, दो नहीं है सो टेक वन एंड मेक पेयर. क्या होगा, 2 से जाएगा 2 2 4, राइट, 0 2. देखिए 0 2 ये माइनस करने से 0 ही होता है और नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट 2 होगा. नहीं, डिवाइड प्रोसेस में हमने सीखा था जो और नहीं जाने वाला ऐसा कुछ होने से हमें तब 0 डालना होता है. डिवीजन प्रोसेस में हमने सीखा था ना, जो रिमाइंडर ऐसा बच जाने से और कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तब हमें 0 डालना होता है, ये तो हम लोग को पता है. तो क्या हो गया, 20 मिला है. रिमाइंडर कितना मिला है, 2 मिला है. तो पहले विदाउट कैलकुलेशन हम लोग वही देखा था जो 402 से 2 माइनस करने से जो नंबर आता है वो होता है परफेक्ट स्क्वायर, राइट. तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा बता देते हैं. 1989 पेयर बनाएंगे, पहले दो दो लेके, 4 4 16, यहाँ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही चेक करना है. ठीक है, यहाँ में 4 यहाँ में 5 ऐसा नहीं, 4 4 16, 389 किसका स्क्वायर है, याद है, नहीं है तो कैलकुलेशन करिए. 4 का डबल 8 होता है, लास्ट में 9 है तो 3 नहीं तो 7 से चेक करेंगे. 7 से चेक करके देखते हैं, 7 7 7 49, 4 7 8 56 नहीं हो रहा है. सो इसको 3 से चेक करते हैं, 3 3 9 3 8 24, फिर भी नहीं हो रहा है तो इसको कुछ अलग से टेस्ट करते हैं. ठीक है, 4 से देखते हैं, 4 4 16 24 25, अभी 5 से चेक करते हैं, 5 5 25, सॉरी हमें 4 4 16 4 32 33, तो ये हो सकते हैं.
पॉसिबल हो सकता है, माइनस करके देखते हैं, 53 डिवाइड कराते हैं, तो ये नंबर से 53 माइनस करने से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सकता है। इसका कैलकुलेशन आप लोग चेक करिए, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अभी देखते हैं 5 का। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। वो था सब्सट्रैक्टेड, 4 वाला क्वेश्चन। 5 में बोला है कुछ ऐड करो, तो ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? पहले सेम स्टेप, 525 पेयर बनाया, 2 2 4 1 2 5 नीचे आया, 2 का डबल 4 चेक करते हैं, 2 से दिया हुआ है 2 2 4 2 4 8 ठीक है, 84 रिमाइंडर 41 बचा है। आई थिंक ये कैलकुलेशन अभी आप लोग खुद से कर सकते हो, पहले वाला अगर एक्सरसाइज तो आप लोग खुद से किया है। तो देखिए रिमाइंडर 41 बचा है, यहाँ में माइनस नहीं करने को बोला था, प्लस करो बोला था। तो देखिए इट रिप्रेजेंट्स दैट 22 स्क्वायर लेस देन टू 525। 22 का स्क्वायर जो आता है वो 525 से छोटा है, तो 23 को देखते हैं तब क्या होता है, ऐड करो बोला है तो नेक्स्ट नंबर तो आएगा, तो नेक्स्ट नंबर इज 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, राइट। तो इसके साथ और कितना ऐड करने से 529 होगा, द नंबर टू बी एडेड 529 माइनस 525 इक्वल टू 4। देखिए ये क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चा लोग को कंफ्यूजन आता है, जो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कभी ऐड करो बोलने से डायरेक्ट यहाँ में ऐड कर देता है, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली देखिए, ठीक है। जो नंबर से आप कर रहे हो, जो आपका क्वेश्चन मिला है उसका नेक्स्ट वाला नंबर का स्क्वायर देखिए जो आ रहा है, उसके साथ ही दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इजी, एरिया ऑफ स्क्वायर बोला है 441। 441 किसका स्क्वायर था, 21 का, तो एक साइड स्क्वायर का साइड बोथ इक्वल होता है, तो साइड होगा 21, ठीक है। इसको आप लोग खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए राइट एंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9-10। We are going to learn about Pythagoras theorem, ठीक है, new theorem। एक राइट एंगल बना बोला है जहाँ में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा बना लिया एक ट्राइंगल B 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी को फाइंड करो बोला है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी इज कॉल्ड बेस, बेस होता है, ए बी परपेंडिकुलर लाइन होता है, परपेंडिकुलर लाइन एंड ए सी हाइपोटेनियस, ठीक है। फॉर्मूला इज ए सी स्क्वायर जो फैलाई में है उसका स्क्वायर इक्वल टू लंबाई का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला एंड मेमोराइज द फॉर्मूला फॉर योर सीनियर क्लास। आपको पता है ए बी का वैल्यू 6, बी सी का वैल्यू 8, पुट कर दिया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 प्लस 100 होता है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ में ए स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ऐसा मिला है, तो यू कैन कैंसिल दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर, ए इक्वल टू 10 ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ में मेक क्या रहा था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स ए सी इक्वल टू 10 और ए सी इक्वल टू रूट ओवर 100 मीन्स ऑल्सो 10, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग खुद से करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, एज मच एज पॉसिबल मैंने यहाँ में कर दिया है, बाकी एक दो जो है आप लोग करिए, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज एंड कॉलम का नंबर इक्वल होगा, मीन्स एक स्क्वायर शेप में आएगा ये, ठीक है। तो पहले लिखिए लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन रो एक्स, यहाँ में एक स्टूडेंट्स है, यहाँ में भी एक्स ही होगा, इक्वल बोला है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम बी इक्वल टू एक्स, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ में फोर स्टूडेंट्स, यहाँ में फोर स्टूडेंट्स ऐसा कंप्लीट एक रो है तो क्या होगा, 4 इंटू 4 16, तो यहाँ में क्या हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बोला है 500 स्टूडेंट्स है, इसको अरेंज करने के बाद कितना स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहा है, ये स्क्वायर से बन जाने के बाद भी कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा हो रहा है, क्यों, 500 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500, राइट। इसको अभी स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, पेयर बनाते हैं, 2 2 4 1 0 0, 2 का डबल 4 आएगा, 2 से चेक करते हैं, 84 16, तो 16 स्टूडेंट्स लेफ्ट आउट, मीन्स 16 स्टूडेंट्स ये स्क्वायर से बनने का बाद भी छूट जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 16, ठीक है। तो बाकी एक दो क्वेश्चन जो है और पार्ट है उसको आप लोग खुद से करिए, एक्सरसाइज करने के बाद आई होप आप लोग स्क्वायर रूट और स्क्वायर आप अच्छे से सीख पाया है। और एक टॉपिक था एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट, एस्टिमेशन आप लोग जानते हैं नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करना, जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज, एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज ऑन योर पेज 107, ट्राई टू सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग बाकी होमवर्क में करिए।